ये तो आपको मालूम है कि आज शाम की जो है खास उल खास मेहमान और हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर एंड ग्रेट प्लेजर टू हैव यू हियर वगैरह वगैरह जो है सब आप ही की शान में है। ये सोफा भी खास आप ही के लिए बनाया गया है, जब आप चाहें इस पर तशरीफ रखें, जब चाहें खड़ी रहें, आपकी मर्जी की बात। मैं बहुत अच्छा मेहरबान। नरोत्ता, जब आप स्कूल में थी या जब आप कॉलेज में थी तो क्या आपको ऐसा लगता था कि मैं एक दिन ऐसी हो जाऊंगी कि एक बड़े महल के अगल बगल और मलेशिया के पेट्रोनास टावर के अगल बगल जो है जाना जाना यूं 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 करके डांस, ऐसा आपको लग रहा था कि मैं ऐसा कुछ करने वाली हूँ? आप यकीन नहीं करेंगे फरूख जी, लेकिन मैं जब स्कूल में थी तब मुझे हमेशा लगता था कि सब लोग हंसेंगे यहाँ पे कि आई विल बिकम एन एयर होस्टेस, क्योंकि आई यूज्ड टू ऑलवेज थिंक कि मुझे ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता था, तो विच इज़ द बेस्ट वे टू डू इट मुफ्त में। हाँ, मुफ्त में। तो फिर एयर होस्टेस क्यों नहीं बनी? कुछ इट डिडंट वर्क आउट ऑनेस्टली, क्योंकि जब मैं एक्चुअली मैंने इंटरव्यू भी दी थी आई थिंक कैथे पैसिफिक के लिए, और मेरा फाइनल इंटरव्यू जब आया तब मम्मी ने रोना धोना शुरू कर दिया, फिर बाद में कभी परसू नहीं किया, नहीं फिर टाइम ही नहीं मिला। मतलब सच बात है, आई को बुलाता हूँ, आई प्लीज तशरीफ लाइए। आइए 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 आइए। नमस्कार नमस्कार, आप तो यहीं रहिए। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। तो आपको क्या इतराज क्या था कि क्यों नम्रता ना जाए एयर होस्टेस ना बने? नहीं, आई एम वेरी पजेसिव अबाउट माय डॉटर्स, कि मुझे ऐसा लगता था नहीं नहीं क्रैश वैश हो जाता है आजकल, प्लेन बहुत होते हैं वैसे, तो मैंने कहा नहीं नहीं मेरे को मुझे लूज नहीं करना है मेरी बेटियों को। ये जब व्हेन शी वाज अ लिटिल गर्ल तो क्या वाज शी शोइंग एनी साइंस कि मैं एयर होस्टेस के अलावा कुछ बनूंगी? वाज शी लाइक अ गुड स्टूडेंट, नॉटी गर्ल, शरारती बच्ची? वेरी वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो पढ़ने में तो बहुत ही होशियार थी। कभी उसने बोला नहीं मैं डॉक्टर बनूंगी या मैं कुछ इंजीनियर बनूंगी या कुछ, कभी नहीं, सिर्फ एयर होस्टेस। उसका आई यू एक सीक्रेट मैं आपको बताती हूँ, आई वाज वेरी वीक इन मैथ्स, अगर मैथ्स अवॉइड करना हो तो आई हैव टू डू आर्ट्स, सो आई डिसाइडेड टू डू आर्ट्स। नाउ विद आर्ट्स एज अ प्रोफेशन आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, मतलब इट स्टिल नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ यू नो यू कैन ब्रांच आउट इनटू। जितने बेचारे वकील हैं सब कैंसिल एंड कट हो गए। तो आई थॉट द इजीएस्ट वे इज टू यू नो बिकम एन एयर होस्टेस, प्लस मेरे जो विशेज हैं वो भी फुलफिल हो जाएंगे। कितनी जबरदस्त आप एयर होस्टेस बनती हैं, कहते पैसिफिक को भी उन पे नाज होता, फर्स्ट क्लास स्टूडेंट। देखिए शिरोड के साथ आपने कुछ बोला नहीं उस जब इमोशनल सीन हो रहा था घर में? आई यूज्ड टू, मैं तो हमेशा ठंडा रहता था। हाँ, और मैं वॉच करता था बेचारे पति, और फाइनल डिसीजन लेता था तब मैं इसको जाके बोलता था, इससे कुछ नहीं कहता था। हाँ, कुछ फायदा नहीं है। नहीं, तब हम लोग डैडी और मैं एक मतलब मिल जाते थे और मम्मी को। जब जिन दिनों की आप बातें कर रही हैं और जिस जमाने की आप बातें कर रही हैं उसकी कुछ तस्वीरें देखते, फिर नम्रता से आगे बातें करते हैं। यहाँ देखते